ಸಾಧನೆ ಕೊಂಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ಹಿರಿಯರೇ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ರೈತರಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರಂಗದ ಜನರು ಕಣಸಂಕಟ್ಟಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಇಚ್ಛಾ ಮತ್ತು ಆಶೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದೆವು. ಭಾರತ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರನ್ನ ಗಂಗಾಸ ಜಿಲ್ಲೆಯವರನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತು ಕೂಡ ಕೂಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇರಿ ಜನ ಶೇರಿ ಭಾರತೀಯ
किसान 2022 तक
दोगुनी होगी उनकी इनकम या नहीं होगी। हमारे मध्यम वर्ग का योग तय करेगा कि उनकी पसीने की कमाई पर टैक्स की राहत होगी या उन पर तीन गुना चार गुना ज्यादा टैक्स लगेगा। देश के सामान्य मानवी उसका वोट ये तय करेगा कि महंगाई पर लगाम लगी रहेगी या फिर 2014 से पहले की तरह वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। आपका वोट ये तय करेगा, भारत माता की जय करने वालों को सम्मान मिलेगा या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग आपके बीच आकर भारत की बर्बादी के नारे लगाएंगे। आपका वोट तय करेगा कि राष्ट्रवाद रहेगा या फिर वंशवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद। साथियों, आज विश्व धरोहर दिवस है। पूर्ण संगमा शहीद अनुभव धरोहर इस क्षेत्र में है, पूरे कर्नाटका में है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को सुरक्षित रखना जरूरी है। आपके आशीर्वाद से मैं ये काम करने का बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। यहां जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो नामदार के राग दरबारी है, उनका बयान आपने सुना है, उनका बयान सुना है, वो कहते हैं कि हमारी आस्था, हमारा मत अफीम की तरह है। ये कैसी भाषा है साथियों? कांग्रेस जेडीएस के नेताओं को सिर्फ एक वोट बैंक दिखता है, उनको जनहित और राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस और जेडीएस की जोड़ी ऐसी है जिसमें जगह जगह झगड़े हैं, हर बात पर मतभेद है, लेकिन चार मामलों पर उनमें बड़ी जबरदस्त सहमति है। बड़ा सम्मेलन है और वो चार बातें हैं। पहला, राष्ट्रवाद को जी भर करके गालियां देना। दूसरा, वंशवाद को पक्का समर्थन करना। तीसरा, भ्रष्टाचारी शिष्टाचार, यही उनकी परंपरा। और चौथा, सुबह शाम एक ही काम, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी को गाली। इसमें ही लोगों में जरा भी विवाद नहीं है, बराबर है। भाई हर चीज में झगड़ा करते हैं। भाई और बहनों, चिकोड़ी के, बेलगाम के, कर्नाटका के अनेक सबूत या तो नक्सलवादियों से मोर्चा ले रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर में आतंक को खत्म करने में जुटे हैं। देश की रक्षा के लिए जाने वालों में गरीब का बच्चा भी होता है, मध्यम वर्ग का बच्चा भी होता है, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री उनका भी अपमान करते हैं। जो भाषा उन्होंने प्रयोग की है, क्या कोई भी स्वाभिमानी देश का नागरिक मेरी मुख्यमंत्री की भाषा को स्वीकार करेगा? करेगा? उन्होंने क्या कहा था याद है? याद है, उन्होंने सेना में जो जवान जाते हैं उनके लिए ऐसी भद्दी बात बोली, ऐसी भद्दी बात बोली, माथा शर्म से झुक जाता है। देशभक्ति की भावना को
मुख से जोड़ते हुए कहते हैं कि सेना में वो लोग ही जाते हैं जिन्हें अपना भूखा पेट भरना होता है। भाइयों बहनों, देश के लिए सीने पर गोलियां खाने के लिए वो जाता है कि पेट भरने के लिए जाता है? ये सेना का अपमान है कि नहीं है? ये जवानों का अपमान है कि नहीं है? कैसा अपमान बर्दाश्त करेंगे आप लोग? ऐसा अपमान सहन करेंगे क्या? अरे इस बात पर इस पूरे परिवार को सार्वजनिक जीवन से हमेशा हमेशा हटाना चाहिए। भाई और बहनों, कांग्रेस तो इससे भी एक कदम आगे निकल गई। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर गलती से भी मैं बताता हूं, उन्होंने ऐसा वादा किया है अगर गलती से भी मजबूर सरकार दिल्ली में आ गई तो उन्होंने लिखित में यह कहा है कि वो आपसा का कानून हटा देंगे, यानी हमारे जवान आतंकियों और नक्सलियों से लड़ रहे हैं उनको जो विशेष अधिकार मिलता है, विशेष सुरक्षा कवच मिलता है, इसको कांग्रेस छीनना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि आतंकवादियों के समर्थक पत्थरबाज सैनिकों पर झूठे केस कर सके और हमारे सपूत अदालतों में ही चक्कर काटते रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस एक तरफ सैनिकों का सुरक्षा कवच हटाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ देशद्रोह करने वालों को खुली छूट भी देना चाहती है। कांग्रेस ने देशद्रोह के कानून को खत्म करने का ऐलान करके बता दिया कि उसके इरादे क्या है, क्या इस खतरनाक खेल को आपका समर्थन मिलेगा? आप समर्थन देंगे ऐसे पाप करने वालों को? जो कांग्रेस देश देशियों के साथ खड़ी है उसको सबक सिखाएंगे? पक्का सिखाएंगे? भाई और बहनों, ये महान मिलावटी लोग न जवान के हैं न किसान के हैं। मैं जानता चाहता हूं यहां की महान मिलावटी सरकार कभी जवाब नहीं देगी, लेकिन यहां के किसानों को पता है क्या हुआ कर्ज माफी का, क्या हुआ किसानों का जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवाया गया था। ये लोग एक तो वादा पूरा नहीं करते और जब यहां के किसान वादे की आग जलाते हैं तो उनको पूरा बुलाते हैं, उनका अपमान करते हैं। कैसे संस्कार है? भाई और बहनों, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार बने, पीएम किसान योजना की शुरुआत की, देश के 3 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है, उनके बैंक खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा क्योंकि यहां की सरकार ने बहुत कम किसानों के लिस्ट में भेजी है। इन लोगों को डर है कि किसान के खाते में पैसा पहुंच गया तो यहां की सरकार को लोग सवाल पूछेंगे, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, ये ज्यादा देर तक आपका हक रोक नहीं पाएंगे। मैंने ठान के रखा है, जो मैंने वादा किया है, जो बजट में पैसे रखे हैं वो आपके खाते में जमा करके रखना, वो पुलिस नहीं देंगे तो पुलिस के नाम के ना होगा। 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, याद है ना? 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा, याद रहे ना? 23 मई को फिर एक बार और 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तब पाई किसानों के अकाउंट में जमा होगी। इतना ही नहीं,
हमने संकल्प पत्र में घोषित किया है कि अब किसान सम्मान योजना का लाभ टका के हर किसान को मिले, चाहे कितनी भी जमीन हो। ये संकल्प हमने लिया है। 5 एकड़ भूमि का जो हमने नियम बनाया था, नई सरकार बनने के बाद उस नियम को भी हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही अब हम छोटे किसान और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन भी देने वाले हैं। इसी तरह पशुपालकों के लिए भी हमने अनेक कदम उठाए। पशुपालकों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए पैसे उपलब्ध हो, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। साथियों, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम व्यापक रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। आपके इस चौकीदार की सरकार ने 22 फसलों का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय किया है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 25 लाख करोड़ रुपया लगाए जाएंगे। हम अनाज के भंडारण के लिए नेशनल हाईवे के करीब ही है नेशनल वेयरहाउसिंग ग्रिड भी बनाएंगे। गांव में किसानों को अनाज के भंडारण की सुविधा मिले, इसके लिए ग्राम भंडारण योजना बनाई जाएगी। गन्ना किसानों को भी मुश्किलों का सामना न करने पड़े, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। गन्ने से इथेनॉल बनाना हो या फिर चीनी का समर्थन मूल्य तय करना, अनेक फैसले सरकार ने लिए। भाई और बहनों, ये 5 नदियों से घिरा इलाका है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी यहाँ के घरों को खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पाए। हमारी सरकार पहले ही अनेक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, अब इसको और विस्तार दिया जाएगा। बीते 5 वर्षों में जिस तरह हमने बिजली के लिए काम किया, अब हम पानी देने के लिए काम करेंगे। और इसके लिए भारत सरकार ने अलग से एक नया मंत्रालय बनेगा, उसका नया बजट होगा, उसका अलग मंत्री होगा और वो होगा जल शक्ति मंत्रालय। सोलर पंप देने का काम तो हम शुरू भी कर चुके हैं। खेतों में छोटे छोटे सोलर ग्रिड लगाकर मुफ्त में किसान भी सिंचाई भी कर पाएंगे और बाकी बची बिजली को किसान बेच भी सकेंगे। साथियों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे सस्ती दवाइयां हो, फिर आयुष्मान भारत योजना कर्नाटक के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को बहुत आर्थिक लाभ हो रहा है। इसी तरह युवा साथियों को मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी के लोन दिए जा रहे हैं। इससे गांव गांव में स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में इस योजना को और सशक्त करेंगे। साथियों, एक तरफ विकास का हमारा विजन, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं। कांग्रेस और महामिलावटी लोगों के शासन में 3 तरह के विकास होते हैं। कुछ परिवारों का विकास, बिचौलियों और दलालों का विकास और महंगाई का विकास। याद करिए 2014 से पहले महंगाई की स्थिति क्या थी। गरीब और सामान्य परिवार का जीना मुश्किल हो गया था। कांग्रेस आई, महंगाई आई, ये कांग्रेस का आदर्श वाक्य है। साथियों, चौकीदार की सरकार ने महंगाई की उस रफ्तार पर लगाम लगाई। 10% की दर से बढ़ने वाली महंगाई आज 2-3% तक हमने पहुंचाई है। आप सभी चौकीदारों को चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाने का प्लान तो सामने रख ही दिया है।
गरीबों की सब्सिडी खत्म करने की भी योजना बनाई है। वोट के लिए कांग्रेस और उसकी महामिलावट की हर साजिश को हमें नाकाम करना है। आपका एक एक वोट कमल के निशान पर देना है। और भाई बहनों, जब आप कमल के निशान पर वोट दबाएंगे, मतलब उंगली दबाएंगे ना, जब आप कमल को वोट देंगे, जब कमल को वोट देंगे तो वो सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाई बहनों, आप मुझे बताइए, पांच साल जिस मजबूती के साथ मैंने काम किया, आप उससे खुश हैं? आपको संतोष है? पाकिस्तान में घुस करके मारा, आपको खुशी है? आपको संतोष है? हमारे जवानों के खून का बदला लेना चाहिए, ले लेना चाहिए? आपको सेना पर भरोसा है? आपकी सेना के पराक्रम पर भरोसा है? सेना की बात पर भरोसा है? कांग्रेस वाले हमारे सबूतों पर भरोसा नहीं कर सकते, और कांग्रेस के सबूत पाकिस्तान के सबूतों पर भरोसा करते हैं। भाई बहनों, देश तभी चलता है जब मजबूत सरकार होती है। देश तभी चलता है, देश तभी मजबूत बनता है जब सरकार भी मजबूत हो। आप मुझे बताइए, सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन भाई बहनों, अकेला मैं चौकीदार नहीं हूं, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार। आप मेरे साथ संकल्प लेंगे, मैं कहूंगा मैं भी हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोल रहा हूं, मन्ना जोतेन है। आप बोलेंगे नान चौकीदार, मन्ना जोतेन है, नगर नगर लालो, मकर मकर लालो, मनीर टुकड़ा भारत माता की जय।